हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यूपी नीट काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, ऊपर से हमारे पास यूपी नीट काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो भी आ चुका है। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर हमें रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, क्या मुझे MBBS मिल सकता है या फिर मुझे BDS मिल सकता है, तो क्या चांसेस जो वो मेरे रह सकते हैं इस साल MBBS मिलने के, BDS मिलने के राउंड वन के अंदर या राउंड टू के अंदर या राउंड थ्री के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं कि कितनी MBBS BDS की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है यूपी के अंदर, और साथ ही साथ प्राइवेट MBBS BDS के भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो वो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें ताकि सारा का सारा प्रोसीजर आपको जो वो अच्छे से समझ लग जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो यहां पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपके सामने 2023 का जो डाटा लेके आया हूं MBBS को लेकर, यहां पे 2023 का कट ऑफ मैं आपको शो कर रहा हूं राउंड वन की। तो यहां पे आप देख सकते हो जो राउंड वन का यहाँ पे गया था 20,930 यानी कि कितने मार्क्स पे, 615 नंबर पे। उसके बाद EWS की बात करें तो 22,628 यानी कि 611 नंबर पे। वही बात करें OBC OP की तो 22,843 यानी कि 611 नंबर पे। और SC की बात करें 1,52,000 पे 459 मार्क्स पे, और ST कैटेगरी 521457 यानी कि 260 मार्क्स में। अब तक ऐसा होता आया है क्योंकि पहले जो रूल थे वो अलग थे। पहले यूपी के अंदर क्या था, जो फर्स्ट राउंड था अगर आपको सीट मिल जाती तो आप उसमें फ्री एग्जिट जो है वो नहीं कर सकते थे, यानी कि आपको फ्री एग्जिट नहीं करने की परमिशन थी कि आप फ्री एग्जिट जो है वो नहीं कर सकते, ये आपका क्या था, फ्री एग्जिट नहीं था। लेकिन इस बार जो रूल्स जो है वो चेंज हो चुके हैं। साथ ही साथ यूपी के अंदर 700 से 800 सीट्स जो है वो बढ़ी हुई है, अप्रॉक्सीमेटली 750 के अराउंड जो है वो सीट्स क्या कर चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो जिसकी वजह से ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है अब ये हमारे मायने नहीं रखती। क्यों नहीं रखती, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक तो सीट्स बढ़ गई हैं। तो पहले यूपी में एक्चुअल में क्या होता था, तो यूपी में जो फर्स्ट राउंड होता था उसमें फ्री एग्जिट हम जो वो नहीं कर सकते थे, इसलिए फर्स्ट राउंड के अंदर यूपी के अंदर जो कट ऑफ थी फर्स्ट राउंड की वो क्या जाती थी, लो जाती थी। सेकंड राउंड में कट ऑफ जो वो बढ़ती थी, फिर मॉप अप स्ट्रे में जाके फिर डाउन चली जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट राउंड में भी जो है ऑब्वियसली आपको पता होगा नए रूल्स जो आए हैं, जिसमें फर्स्ट राउंड के अंदर भी हमारे पास जो फ्री एग्जिट को परमिशन मिल गई, यानी कि फ्री एग्जिट जो वो कर दिया गया है। रूल्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी बता दी कि कौन कौन से रूल्स जो वो चेंजेस हैं, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो वीडियो देख लेना कि यूपी के अंदर कौन कौन से नए रूल्स आए हैं, किस कॉलेज के अंदर कितनी कितनी सीटें हैं, वो सब कुछ जो है 2024 का ब्रोशर जो ऑलरेडी आउट हो चुका है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक चीज और बता देता हूं, और बहुत सारे बच्चे जो है क्या करते हैं 2023 की कट ऑफ को लेकर जो है इस साल भी काउंसलिंग करते हैं, तो यार पिछले साल इतने में मिल गया था तो मुझे भी मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये कट ऑफ जो है हमारे किसी भी जो है मायने नहीं रखती है, तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं देखना। इसके दो रीजन है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 725 के अराउंड आपके जो कॉलेजेस MBBS की सीट्स जो है वो बढ़ चुकी हैं, इसके साथ साथ जो फर्स्ट राउंड को फ्री एग्जिट जो है वो कर दिया गया है। 725 सीट्स बढ़ने की वजह से, फ्री एग्जिट करने की वजह से इस साल क्या एक्सपेक्टेड आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो मैं आपको चलो फटाफट जो है वो बता देता हूं। तो बात कर लेते हैं MBBS की 2024 में आपकी कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो वो कितनी जा सकती है 2024 के अंदर। जैसे कि आपको बताया कि 725 सीट्स आपकी जो है वो इंक्रीज हुई है, मे बी आने वाले टाइम में और भी सीट्स आपकी जो है वो इंक्रीज हो सकती है, तो और भी ज्यादा इंपैक्ट जो है वो पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज को कई बार परमिशन है वो सेकंड राउंड के अंदर मिलती है, कईयों को थर्ड राउंड के अंदर मिलती है। जैसे जैसे कॉलेज को परमिशन मिलती जाएगी तो वैसे वैसे आपकी कट ऑफ जो है वो और ज्यादा क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट राउंड में हो सकते हैं, सेकंड राउंड में हो जाए, मे बी थर्ड राउंड में हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी से तो 24,600 के पास अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको MBBS जो मिल जाएगा, बट इट इज नॉट कंपलसरी कि वो फर्स्ट राउंड के अंदर ही मिलेगा, आपको सेकंड राउंड के अंदर भी मिल सकता है, थर्ड राउंड के अंदर भी जो है वो मिल सकता है, लेकिन मिल जाएगा। उसके बाद EWS कैटेगरी की बात करें तो 25,100 रैंक तक आपको जो है मिल जाएगा। OBC की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे 25,000 रैंक तक। उसके बाद SC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 162 से लेकर 165 के रैंक तक अगर आपके अराउंड आ रहा है तो आपको MBBS जो मिल जाएगा। ST कैटेगरी की बात करें तो 552 से लेकर 582 के रैंक के बीच बीच में अगर आपका आ रहा है तो आपको आराम से जो है वो MBBS मिल जाएगा, बट इट इज नॉट कंपलसरी, फर्स्ट राउंड में ही मिलेगा, सेकंड में भी जा सकते हो, थर्ड में भी जा सकते हो। दूसरी चीज, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर सर मेरा रैंक यहाँ पे 25,000 है तो क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए, तो डेफिनेटली बच्चों आपको अप्लाई करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कई बार सीट्स जो है वो एट ए टाइम बढ़ जाती है, फर्स्ट राउंड के अंदर बढ़ जाती है, कई बार क्या होता है जब आपकी काउंसलिंग चल रही है तो उसके बीच में जो सीट्स को बढ़ा दिया जाता है, तो सेकंड राउंड में भी बढ़ सकती है, थर्ड राउंड में भी बढ़ सकती है, तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपको इसी जो बताए गए रैंक है तो उन बच्चों को जो है वो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है और उन्हीं को MBBS के कॉलेज जाना है। आप आराम से MBBS की काउंसलिंग जो कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन बच्चों को क्या होता है
चॉइस फिलिंग नहीं करनी आती, कॉलेज नहीं डालने आते कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कुछ बच्चों के पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो जिसकी वजह से उनको काउंसलिंग से क्या कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन आपके भाई ने आपको डिटेल में समझाया कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, किन किन कॉलेजेस को ऊपर रखना है, किन किन कॉलेजेस को नीचे रखना है, किन किन गलतियों का ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग करते टाइम, इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने समझाई है आपको, उसका पूरा का पूरा अच्छे से समझना प्रोसीजर, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की वीडियो भी मैंने आपको बताई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने चाहिए, आप एमसीसी की काउंसलिंग करते हो, डबल ट्रिपल सी की करते हो, कोई स्टेट काउंसलिंग करते हो, क्या क्या आपके थंब एक्सप्रेशंस लगेंगे, कितनी आपकी फोटोग्राफ्स लगनी है, पेरेंट्स का क्या लगेगा, ईच एंड एवरीथिंग मैंने डॉक्यूमेंट्स भी आपको समझाया डिटेल के अंदर, दोनों वीडियो मैंने अच्छे से डिटेल के अंदर बनाई है, उन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आपको क्या कर सकती है, एडमिशन दिलवा भी सकती है और आपके एडमिशन को कैंसिल भी जो है वो करवा सकती हैं। बड़े बड़े रैंक वाले पिछले सालों में ऐसा, बड़े बड़े रैंक अच्छे खासे रैंक बच्चों के थे, लेकिन उनको चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, किसी के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए, तो उनको क्या कर दिया जाए, नीट काउंसलिंग से क्या कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो आपको ऐसी गलती जो वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो पहले बात कर लेते हैं प्राइवेट बीडीएस वगैरह को लेकर, एक चीज का ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको कट ऑफ बताई है वो आपको बताई है ऑल इंडिया रैंक के बेस के ऊपर, इस चीज का आपको ध्यान रखना, ऑल इंडिया रैंक के बेस के ऊपर ही मैंने आपको सारे के सारे जो कट ऑफ है वो बताई है। तो उसके बाद जो बच्चे प्राइवेट एमबीबीएस करना चाहते हैं यूपी के अंदर, कहां पे, यूपी के अंदर, तो ऐसे बच्चों का अगर 200 प्लस स्कोर है, ठीक है, कोई भी कैटेगरी जो आप, कोई भी एनी कैटेगरी से आपका स्कोर जो 200 प्लस है, तो आपको आराम से एमबीबीएस के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो वो यूपी के अंदर सीट जो वो मिल जाएगी। कई बार तो ऐसा होता है सीट बच जाती है, जस्ट आपका नीट क्वालिफाइड भी होगा तब भी आपको नीट के क्वालिफाइड होने के बाद भी आपको जो वो एमबीबीएस के अंदर जो सीट मिल जाएगी, जिसलिए हम सिंपली कह सकते हैं 200 प्लस है तो आप सिक्योर हो, लेकिन मैक्सिमम कई बार सीट बच जाती है तो चांसेस बन जाते हैं कि अगर आपका नीट क्वालिफाइड भी है तब भी आपको एमबीबीएस प्राइवेट के अंदर जो वो सीट मिल जाएगी यूपी के अंदर। वही प्राइवेट बीडीएस की बात करें तो जस्ट आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी से हो, जस्ट आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए तो आपको प्राइवेट बीडीएस के अंदर जो वो एडमिशन मिल जाएगी। अब गवर्नमेंट का क्या प्रोसीजर रहेगा वो मैं आपको फटाफट जो है वो बता देता हूँ। तो बच्चों पीडीएस की बात कर लेते हैं 2024 के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, यहाँ पे अगर आपका रैंक 30,000 से 32,000 के बीच बीच में आ रहा है तो आपको बीडीएस आराम से जो वो मिल जाएगा। वही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 30,000 से 32,000 के बीच बीच में सेम ही अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको आराम से बीडीएस मिल जाएगा। वही ओबीसी कैटेगरी की बात करें 37,000 से 40,000 के बीच बीच में आपका रैंक अगर आ रहा है तो आपको बीडीएस मिल जाएगा, बट इट इज नॉट कंपलसरी, फर्स्ट राउंड में मिलेगा, सेकंड में मिल सकता है, थर्ड में भी जा सकते हो। एससी कैटेगरी की बात करें तो अप टू 51,000 तक आपको जो है वो बीडीएस मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं 5,80,000 से लेकर 6,10,000 के बीच बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको बीडीएस जो आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एमबीबीएस का भी डाटा बता दिया और बीडीएस का भी बता दिया। जल्दी हमारे चैनल पर आपको आयुष यानी कि बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस का सारा डाटा वो भी मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसके साथ साथ जो वीडियो मैंने आपको बताई है चॉइस फिलिंग को लेकर और डॉक्यूमेंट्स को लेकर वो वीडियो जरूर जरूर देखें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ तक वीडियो देख ले, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।